नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो टाइप हम लेने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। हमारे लिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दो संख्याओं का योग, ये योगफल भी हो सकता है, तथा गुणनफल क्रमशः क्या दे रखा है, 11 तथा 18। इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। 2010 के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि दो संख्याएं, तो पता नहीं दो संख्याएं, तो हमने संख्या पता कर ली कि x और y है, ठीक है। इनका योग, योग मतलब जोड़, कितना है, 11। और क्या बोला उसने, गुणा, गुणा मतलब एक्स वाई, कितना दे रखा है, 18। तो उसने बोला है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक के बटे में लिख देना, मतलब एक बटा एक्स और एक बटा वाई योग है ना, इसलिए बीच में जोड़ लगा दिया। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, तो देखो दोस्तों यहाँ से ध्यान देना, इसका इधर गुणा करेंगे तो वाई, इसका इधर गुणा करेंगे तो एक्स, मतलब वाई प्लस एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा, दोनों का आपस में एक्स वाई। ये वाई प्लस एक्स को एक्स प्लस वाई लिखें, एक ही बात है, क्यों, क्योंकि दो में तीन जोड़े या तीन में दो जोड़े, आता तो पाँच ही है, ठीक है। तो ऐसे वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, 11, और एक्स वाई का मान दे रखा है 18। तो इस क्वेश्चन का सीधे सीधा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11/18, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है कि किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 है तो वह संख्या क्या है, ठीक है। हमारी हेडिंग क्या थी, संख्याओं पर आधारित, तो संख्या चल रही साथ में, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले किसी संख्या का, तो संख्या क्या सपोज कर ली हमने, एक्स, का मतलब बोर्ड मास में मैंने बताया था आपको कि गुणा होता है, 2/5 का मतलब फिर गुणा, 3/7 कितना है, 198 है, तो संख्या क्या होगी, संख्या एक्स है, निकाल देते हैं एक्स की वैल्यू। देखिएगा ये दो इधर आएगा बटे में, तो दो से पहले हम काट देंगे, तो दो से एक कितनी बार, दोनों में अट्ठारह 99 टाइम्स, 99 बार, फिर तीन से काटेंगे तो तीन तिया नौ, ये दोनों क्या बटे में जाते हैं, तो मैंने सीधे काट दिया उससे। अब 7 × 5 = 35, यदि मैं 35 का गुणा करूँ 33 में, 35 इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 33 में, तो 35 × 30 = 90 और 5 × 5 = 15, तो मतलब 105, तो 35 × 105 = 5 हासिल 10, फिर 35 × 105, 105 × 10 = 115, मतलब वह संख्या क्या है, वह संख्या है 1155 या 1155, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है कि किसी संख्या के 60% में, संख्या मतलब एक्स, नहीं पता है तो एक्स के 60% में, के गुणा के लिए 60% मतलब 60/100, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, ठीक है। मैं 40 जोड़ देते हैं तो कितना मिलता है, संख्या का, संख्या मतलब एक्स का मतलब गुणा, कितना, 80% मिलता है, ठीक है। तो प्राप्त संख्या क्या होगी, ये अरेंजमेंट था, यहाँ पे हम 0 से 0 को कट कर सकते हैं, यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, 2 × 3 = 6 और 2 के पहाड़े में 2 × 5 = 10, ऐसे ही 2 के पहाड़े में 2 × 8 2 × 5 = 10, ठीक है। अब एक्स वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, तो देखिए ये 40 ऐसा का ऐसा, और मतलब एज इट इज़, अब यहाँ से हम उठा के उधर लाएंगे तो 4/5 एक्स है, इसमें से माइनस हो जाएगा 3/5 एक्स, ठीक है। अब देखिए दोनों के हर एक जैसे हैं, तो हर जाएगा इधर गुणा में, तो 40 × 5 = 200 कॉमन ले लिया, हर दोनों का सेम है तो, और उधर गुणा कर दिया। अब यहाँ पे 4x में से 3x जाएगा तो कितना एक्स बचेगा, 1x, मतलब वह संख्या क्या है, वह संख्या है 200, ठीक है। इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को, कॉम्पिटिटिव में आने वाले क्वेश्चन को इजी बना सकते हो और इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन जो हमने लिया है, ये इस तरीके से कि एक भिन्न के अंश में 35% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है, मूल भिन्न क्या है। ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, हम जब परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इस टाइप के भी और इससे भी बेटर और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हम करेंगे, पर यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जो परसेंटेज से संबंधित है। जब वृद्धि होती है, जैसे हमने भिन्न को सपोज करा कि x/y है, ठीक है,
तो जो अंश में वृद्धि होती है, ठीक है, कितनी वृद्धि हो रही है 25, तो आपको 100 में जोड़ के गुणा करके लिखना है, मतलब 125, ठीक है, 100% का प्लस 25, मतलब प्रतिशत वृद्धि निकल गई है। और हर में कमी, कमी को हम घटा के लिखेंगे, तो 100 में से यदि मैं घटाता हूँ 20 को तो कितना आएगा 80। और ये सब करने पर प्राप्त भिन्न कितनी है 5/8। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात कि मैंने 125 क्यों लिखा और 80 क्यों लिखा है, 25% की वृद्धि। तो फार्मूला है कि अंश गुणित कोष्टक में 100 धन वृद्धि प्रतिशत, ठीक है, और ऐसे ही बटे में कमी हो रही तो कमी प्रतिशत लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम यदि इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, देखो सबसे पहले हम इसको काट देते हैं 5 से, तो 5 से 16 × 5 = 80, ठीक है, और 5 से कितनी बार कटेगा 25 बार, ठीक। अब ये उधर जाएगा, यहाँ से यदि 16 को ले जाता हूँ तो 16 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 25 को इधर लाता हूँ तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों स्टेप पे मैंने क्या कर दी, क्रॉस कर दी, एक को उधर भेज दिया, एक को इधर भेज दिया, ठीक है। अब इससे हमें मतलब नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे सॉल्व कर देंगे तो x बटा वाई जो मूल भिन्न निकालना है वो निकल जाएगी। तो देखिएगा कैसे, हम 8 × 8 = 8, 8 × 16 दो बार काट देंगे, 5 × 5 = 25, ठीक है, मतलब हमारी भिन्न क्या है 2/5, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से हम परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी है दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन की, ठीक है, तो आइए लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, इन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इनके सॉल्यूशन मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड करूँगा, उसमें आपको मिल सकते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।